नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि न्यूज पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कृषि व संबद्ध उत्पादों में हमारा देश दुनिया में नंबर एक या दो पर है। हमारे किसानों और वैज्ञानिकों की इतनी ताकत है कि हम दुनिया में प्रतिस्पर्धा करें और लगभग सभी उत्पादों में नंबर एक हो सकते हैं। आज इतना उत्पादन व बढ़ती हुई उत्पादकता हम सबके लिए गौरव व प्रसन्नता का विषय है। भारतीय खाद्य निगम FCI एक सरल और आसान खाद्यान्न परीक्षण उपकरण विकसित करने के लिए कृषि स्टार्टअप के साथ काम कर रहा है। इस उपकरण को सरकार द्वारा संचालित मंडियों में लगाया जाएगा। दरअसल खाद्यान्नों की खरीद की प्रक्रिया के दौरान किसानों द्वारा मंडियों में लाए गए अनाज की गुणवत्ता का प्रशिक्षण भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा निर्धारित पद्धति का पालन करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय बीज निगम ने केंद्रीय राज्य फार्म हिसार में 4000 मीट्रिक टन बीज भंडारण गोदाम का उद्घाटन राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विनोद कुमार गौड़ द्वारा किया गया। कृषि जागरण से बातचीत के दौरान विनोद कुमार गौर ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। अभी हमने अपने जो हमारे फार्म हैं उनमें से एक फार्म हिसार में हमने 30,000 क्विंटल का गोदाम की क्षमता बढ़ाई है। आधुनिक तकनीकी से हमने ये जो गोदाम बनाया है, इसका विशेष लाभ ये है कि इसमें ट्रस्टलेस गोदाम है जो कि डोम के आकार का है, तो इसमें किसी तरह के कबूतर वगैरह नहीं बैठते हैं और उनके द्वारा जो बीज की क्वालिटी ख़राब की जा रही थी उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और इस गोदाम के माध्यम से राष्ट्रीय बीज निगम को आने वाले समय में उनके बीजों की गुणवत्ता बढ़ेगी और जो बाहर हम बीज रखते थे उससे भी कंपनी का जो खर्चा बढ़ता था उस हिसाब से अब वो खर्चा भी कम होगा और क्योंकि हर समय बीज हमारी देखरेख में रहेगा तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और आगे इससे जो किसानों को एक उचित मूल्य पे बीज मिलेगा क्योंकि यदि लागत कम होगी तो मूल्य भी कम होगा। तेल उद्योग निकाय सॉल्वेंट ट्रैक्टर एसोसिएशन ने सरसों तेल की कमी को पूरा करने के विकल्प के रूप में कैनोला तेल का आयात बढ़ाने की मांग करते हुए इस पर आयात शुल्क समाप्त करने की सलाह दी है। अगर तेल की कीमतों की बात करें तो मलेशिया एक्सचेंज में मजबूती के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में कच्चा पाम तेल CPO के साथ साथ बिनौला तेल की कीमतों में सुधार देखने को मिला है। सोया मील इंपोर्ट का मुद्दा अब सियासी हो गया है। महाराष्ट्र सरकार जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मील आयात के खिलाफ हो गई है। दरअसल कृषि मंत्री दादाजी भूसे ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर किसानों के हित में सोया मील इंपोर्ट का फैसला बदलने की मांग की है क्योंकि इस कदम से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। पंजाब के भटिंडा में भारी बारिश के कारण नरमा और कपास की फसल को काफी नुकसान हुआ है। दरअसल मानसून की बारिश के समय कपास की फसल में जल प्रबंधन बहुत जरूरी है, नहीं तो फसल खराब होने की संभावना रहती है। भटिंडा में भारी बारिश के कारण कपास की फसल में जहां भी पानी रुकने और फिर से धूप लगने से फसल बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से भटिंडा में कई किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रवि सीजन आते ही गेहूं की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ जाती है, तो ऐसे में राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक नई पहल की है जिससे किसानों को अधिक लाभ होगा। दरअसल राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सरकार किसानों को 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। बता दें कि यह सब्सिडी राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दी जा रही है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।